ये कुर्ता भी अटक गया। ए, अंग्रेजी मिर्ची, ये कुर्ता नीचे कर मेरा थोड़ा सा इधर से। What? अच्छा मैं किसी को बुला के ला। अरे सुन, क्या बुला के आती हूँ? तब तक क्या मैं ऐसे खड़ा रहूँ? तू करेगी तो क्या छोटी हो जाएगी? पर... और ये सब तेरे वजह से हुआ है? आजा फटाफट। किसी को बुलाओगी तब तक तो ये ऐसे खड़ा रहूँ क्या मैं? तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ? तेरे बाप ने जो किया उसे शर्मिंदा है या फिर गुस्सा? दोनों, लेकिन फिर भी मेरे डैड के बारे में कुछ मत बोलना, वरना वरना क्या करेगी तू? वो बाजी आती ही होंगी ना, मुझे काम भी पूरे करने हैं। मैं चलती हूँ, बाय। अरे तीखी मिर्ची, अब तक तू कहाँ थी? तू अगर पहले मिली होती ना तो इस मनहूस के साथ शादी नहीं करता। चलो जा गया त्यार दी सवार, देर आए दुरुस्त आए तंदुरुस्त आए। अनाजी प्लीज मेरी दादी को ठीक कर दीजिए ना, उनकी हालत और नहीं देखी जा रही मुझसे, हम उनके बिना नहीं रह सकते प्लीज। आज मेरे धर्म के साथ जो भी हुआ है उसके बाद मेरे घर में कोकिला की दुआ में दिया नहीं जलेगा। दिया बुझ गया? जरूर तेरी प्रार्थना में कोई कमी रह गई होगी, तूने सच्चे दिल से प्रार्थना की ही नहीं होगी। बाजी, आप इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हैं? झूठ? और मैं? अरे क्या बोल रही हो? बनिए मत, मैंने खुद देखा कि आपने पंखा दिए की तरफ किया। मीरा तुझे गलतफहमी हो गई है, दरअसल ओह प्लीज कुछ मत बोल। आप ऐसे कैसे कर सकती? मेरी दादी की नाम की चोट पहुंचा दी वहां हॉस्पिटल में। मेरी दादी जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई कर रही है और आप जानती थी ना कि विद्या ने वो जोत दादी के नाम के ऊपर चलाई थी। आपने ये आपने अच्छा नहीं किया। ओ अच्छा नहीं मासी,
दादी 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 दादी, तेरी दादी के बेटे ने मेरे बेटे को मारा, ये अच्छा किया? ओह गॉड, मेरे डैड ने जो किया और अभी आपने जो किया वो तो अलग अलग चीजें, कैसे कंपेयर कर सकती है? बाय द वे, आपका प्यारा बेटा सही सलामत अपने दोनों पैरों पे खड़ा है। मेरी दादी वहां बेहोश पड़ी है, आपको अंदाजा भी है उसका मतलब क्या होता है? इसलिए फॉर गॉड्स सेक कंपेयर करना बंद कीजिए। अंडरस्टैंड? चल बेटे, प्रार्थना तो मन में की जाती है ना, और दुआ भी दिल से की जाती है। तू चिंता मत कर, हम दोनों मिलकर सच्चे मन से कान्हा जी से प्रार्थना करेंगे ना, तो वो जरूर हमारी बात सुनेंगे। और दादी को जल्द से जल्द ठीक कर देंगे। जो लड़की मेरे इशारों पे नाच रही थी आज मेरे खिलाफ खड़ी हो गई। बहुत प्यार उमड़ रहा है ना अपनी दादी पर, बहुत गर्व महसूस हो रहा है अपने बाप के लिए। अहम मोदी, कोकिला मोदी का अहंकार, गोपी मोदी का प्यार, अपनी बेटियों का हीरो हीरालाल, और मोदी परिवार की माला को जोड़ने वाला एकमात्र तार जिसके टूट जाने पर पूरी की पूरी माला बिखर जाएगी। इनके पूरे परिवार को एक साथ सबक सिखाने का अच्छा तरीका कोई हो ही नहीं सकता। कोकिला मोदी, अब तू देख, जिस तरह मैंने इस दिए को बुझा दिया उसी तरह तेरे आंख के तारे को भी बुझा दूंगी। उन्हें होश आ जाना चाहिए था, लेकिन मुझे प्रॉब्लम मत बताइए, मुझे सलूशन बताइए इसका। ये यहाँ का बेस्ट हॉस्पिटल है और आप लोग यहाँ के बेस्ट डॉक्टर हैं। जी, I'm sorry, लेकिन उन्हें कोई मामूली चोट नहीं लगी है। सर पे दो गहरे वार, उसके बाद एक संदूक में बंद रहना, उसके बाद पानी में ऑलमोस्ट डूब जाना, इतना कुछ बर्दाश्त करना एक इंसान के लिए इट्स जस्ट अ मिरेकल। हाँ डॉक्टर, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ जी ही सह सकती है। भले ही उनका शरीर कमजोर पड़ गया है पर उनका मन अभी भी मजबूत है। Let's hope for the best. अभी तक नहीं। यूं रोते नहीं है बेटा।
आज धनतेरस है और आज के दिन अपनी बहू को सोना देना ये हमारी प्रथा है, याद है ना? नहीं काकी जी, हाँ धनतेरस और क्या दिवाली, माँ जी के बिना इन सब चीजों का मेरे जीवन में कोई मायने नहीं। अगर हम दिवाली नहीं मनाएंगे तो कोकिला को बहुत बुरा लगेगा, और दिवाली ना मनाना इस बात का सबूत हो जाएगा कि हमने ये मान लिया कि कोकिला हमारे साथ साथ नहीं है। और ऐसा नहीं है, बहुत सालों के बाद इस साल अहम और तुम दोनों एक साथ दिवाली मनाने वाले। ये बात कोकिला के लिए कितने मायने रखती थी ये तो सिर्फ मेरा दिल जानता है। और अगर हर साल की तरह मैंने धनतेरस के दिन जो हमारे घर की प्रथा है वो नहीं निभाई तो मेरी देवरानी उठ के मुझे बहुत डांटेगी और मैं उसकी डांट नहीं सुनना चाहती। ठीक है काकी जी, हम ये दिवाली जरूर मनाएंगे पर माँ जी के साथ। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।